हाय फ्रेंड्स, न्यू मून सुपर मून 1 अगस्त को है, मतलब कल 31st है। परसों फुल मून है, पूर्णिमा है, और हम पूर्णिमा के दिन रिचुअल ना करें ऐसा हो नहीं सकता, राइट? अभी जो रिचुअल हम करेंगे उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले बेलीफ, हमें पता है हमारी मैनिफेस्टेशन में बेलीफ का कितना यूज़ है, राइट? उसको मैं बताऊँगी। सेकेंड हम यूज़ करेंगे सिनेमन स्टिक, दालचीनी। मैं आपको जो स्पेल्स बताने जा रही हूँ अभी, वो आपके 3 चीज़ों के लिए बताऊँगी। सबसे पहले हेल्थ के लिए, ओके, फिर मनी के लिए, और फिर आपकी जितनी भी रेस्ट ऑफ द विशेज हैं उनके लिए, साथ में रिलेशनशिप के लिए तो बताऊँगी। ओके, सो ये सारी चीज़ों को कवर अप करूँगी, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हेल्थ पे आते हैं, हेल्थ मीन्स सेल्फ लव पे आते हैं हम, राइट? अगर अपनी हेल्थ की बात कर रहे हैं तो ये सेल्फ लव का एक बहुत बड़ा पार्ट है, एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अच्छा, जिन्होंने अभी तक क्रिस्टल्स ले लिए हैं, क्रिस्टल को चार्ज करने के लिए फुल मून से बेटर कोई टाइम नहीं होता। या तो सनलाइट या मून लाइट, यही दोनों चीज़ों में क्रिस्टल्स आप चार्ज करते हो, क्लेंस करते हो, सारी चीज़ें करते हो, राइट? सो सबसे पहले तो मैं आपको ये जो नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे बताऊंगी, क्योंकि हर एक के पास तो क्रिस्टल्स होते नहीं है, ठीक है? तो ये सबके लिए है। बाद में फिर क्रिस्टल से आप कैसे इस सुपर मून पे रिचुअल करोगे वो ज़रूर बताऊंगी, ठीक है? ताकि वो भी आप लोगों को हेल्प करे आपके विशेज़ में, ठीक है? सबसे पहले मैंने आपको बोला कि हेल्थ के लिए बताऊंगी, तो आप एक काम करोगे, एक बड़े से बर्तन में या फिर बाउल में पानी भर के अपने पास रखोगे, ठीक है? मैं यहाँ पे नहीं रख रही हूँ, यहाँ पे मैं छोटा कुछ बताऊंगी आप लोगों को प्रैक्टिकली, बट आप एक पानी का बाउल भर के उसको रखिए। शांति की जगह ढूंढिए आराम से, पूर्णिमा के दिन शाम को, ये एक्टिविटी शाम को होगी जब चांद निकल जाता है, मतलब आप 7-8 बजे के बाद, ठीक है? एक शांति की जगह में नीचे फर्श पे बैठिए, ज़्यादा अच्छा है, राइट? फर्श पे बैठ करके ये बाउल आप पानी का रखोगे, पानी के बाउल में आपने ये तेज पत्ता डिप करना है, ओके? सो ये जो बेलीफ है ना, बेसिकली अगर इसकी हिस्ट्री आप देखोगे, हिस्ट्री भी नहीं बोल सकते हैं इसके बारे में, आप मिथ बोल लो, ये जो भी एक मान्यता है कि ये एक जीती जागती राजकुमारी है जिन्हें जादू से बेलीफ की के पेड़ में तब्दील कर दिया गया था, इसीलिए मैनिफेस्टेशन में इतना यूज़फुल होता है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा मानते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सारी बातें सुन रहा है, ठीक है? हमें ब्लेस कर रहा है अल्टीमेटली। तो ये मान्यताएं हैं, बट हाँ, हमें पता है अगर हम साइंस के हिसाब से चलें, अगर आप साइंटिफिकली जाना चाहते हो तो भी इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ बहुत अच्छी होती हैं, और वो सारी चीज़ें भी हैं, बट ठीक है, हम अपने स्पेल्स को कर रहे हैं तो हमें पता है कि स्पेल में हम कोई भी इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं तो उसकी अपनी एनर्जी होती है, राइट? और क्योंकि फुल मून पे हम हैं, तो फुल मून सुपर मून है आज वैसे भी। अच्छा, इस अगस्त में 2 मून 2 फुल मून एक साथ है, बहुत ही मिराक्युलस है, राइट? काफ़ी सारे मीटियोर शावर के बाद ये फुल मून है जिसका वेट सब कर रहे थे, तो बहुत पावरफुल है ये। और आप लोग प्लीज़ इस सुपर मून को बिल्कुल भी मिस मत करना, अपने लिए रिचुअल्स ज़रूर करना, रेमेडीज ज़रूर करना, ठीक है? अब आते हैं, जो बाउल आपने इकट्ठा पानी का रखा है उस बाउल में आपने ये तेजपत्ता लेना है अपने लिए, दोनों हाथों के बीच में ऐसे रखोगे आप इसको, बिना कुछ लिखे, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर। जो हेल्थ के लिए कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं लिखेंगे, वाई? बिकॉज आप इसको जिस पानी में डिप करने जा रहे हो, पानी फिल्टर्ड वाटर लेना आप लोग, या फिर वो पानी जो आप पीते हो अपने घर में, पीने का पानी, फ्रेश वाटर जो पीने का पानी है वो उस कटोरे में, बर्तन में, बड़े से बर्तन में होना चाहिए बाउल में, और फिर उसमें ये जो बेलीफ है ये अपने हाथ के नीचे रख के, अब आप आंखें बंद करोगे अपनी, आंखें बंद करके खुद को विजुअलाइज करोगे, ठीक है? आप अपने हेल्थ के लिए चाहो तो प्लीज़ एक ग्रीन कैंडल आप जला लेना, ठीक है? अगर ग्रीन है तो ठीक है, नहीं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई सा भी वाइट कलर का कैंडल हो, दिया हो, कुछ भी जलाओ, हमें एक्चुअल में उसकी फायर चाहिए, ठीक है? उसकी जो रोशनी है वो चाहिए, ठीक है? बट हाँ, कलर्स का ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम कभी भी दिया जला लेंगे और कैंडल को प्रेफर नहीं करेंगे, नहीं, इसके वैक्स की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, तो जहाँ पे कैंडल बोलते हैं वहाँ पे कैंडल ही यूज़ करना है। बट इसमें मैं यही बोलूँगी कि वाइट कैंडल ले लो, अगर ग्रीन है तो बहुत अच्छा है, ठीक है? वो लेकर के इसको, यस, तेज पत्ते को ऐसे रखो और अपने हेल्थ के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो। क्या बोलोगे आप? सिंपल, इतना सा, मेरे सारे हार्मोन्स बैलेंस्ड हैं, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, मेरे सारे बॉडी पार्ट्स बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है,
ठीक है, मैं बहुत हेल्दी हूँ, इस तरह से बोल के अब आप आंखें बंद करे हुए में जब आपने ये बोला है, बोलने के बाद आप बंद बंद में ही, आंखें बंद में ही अपनी बॉडी को पूरा स्कैन करोगे। स्कैन कैसे करते हैं हम अपनी बॉडी को, अपने पंजों से लेके सिर तक आप आंखें बंद किए हुए में देखो, ओके, पंजों से चलना शुरू करो अपनी बॉडी को, आगे देखो, घुटनों तक आओ, घुटनों से कमर तक आओ, कमर से अपने पेट पे, पेट से चेस्ट पे, चेस्ट से थ्रॉट, थ्रॉट से सिर, पूरा का पूरा कवर अप करो, स्कैन करो, और फिर उस पॉइंट को आप अपने माइंड में सोचो जिस पॉइंट में कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है आपको, ठीक है। फिर उस पॉइंट को आप विजुलाइज करो कि वो पॉइंट अब रिकवर हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक है, वैसा कुछ विजुअलाइजेशन आपको करना है। और उसके बाद आप इस तेज पत्ते को उस पानी में डिप कर दोगे, क्योंकि आपने सारी इंटेंशंस इसमें दी है, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला कि ये एक लिविंग क्रिएचर ही है, तो इसने सारी थॉट्स, सारी चीज़ें अब्जॉर्ब की हैं जो जो आपने बोला है, और उसी के लिए आपको ब्लेस करेगा ये। आप उस पानी में इसको डिप करके, आप हो सके तो इस बाल को आप रात भर, अगर आपके घर में विंडो है, विंडो के पास अगर रोशनी आती है तो वहाँ पे आप इसको छोड़ दीजिए, हो सके तो किसी पतले कपड़े से ढक के छोड़िए ताकि वो रोशनी इसमें जाए। मैं इसको बाहर रखने के लिए नहीं बोलूँगी आपको, क्योंकि ये बाउल में है, पता नहीं रात में कितना सेफ है, नहीं है, राइट। इसलिए आप अपने कमरे की के विंडो के पास रखिए, वो बेस्ट है, राइट। और फिर आप मॉर्निंग में ये पानी पियेंगे, घूट घूट करके पियेंगे, हेल्थ के लिए ये सुपर, मैं क्या बोलूँ, एक अमृत के समान हो जाएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। इस तेज पत्ते का क्या करना है, जो पानी में डला हुआ था इसको आप निकाल के डिस्कार्ड कर दीजिए, फेंक दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। अब जो भी इसका एसेंस था, जो इसका मैजिक था, वो पानी में डिजॉल्व हो गया है सारी रात में। मॉर्निंग उठ के आपको सारे दिन आप पी लो उस पानी को घूट घूट करके, या फिर एक बार में पी लो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अच्छा, घर के किसी और मेंबर के लिए हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हर मेंबर का जो बॉल बनेगा, पानी का जो बर्तन बनेगा, वो अलग अलग बनेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। इसको करने के बाद ये हो गया हेल्थ के लिए, ओके। सो पहले हेल्थ कवर आप कर लिया मैंने, सेकेंड मैं बता देती हूँ हेल्थ में ही, सबसे पहले क्रिस्टल्स के लिए बता देती हूँ, जिनके पास ऑलरेडी क्रिस्टल है, जिन्होंने हेल्थ के लिए एमेथिस्ट लिया है या हेल्थ पर्पस से जो भी क्रिस्टल लिया है, वो क्या करेंगे, अपने क्रिस्टल को सबसे पहले सारी रात सॉल्ट में डिप करके रखोगे, ठीक है। जैसे ये नमक मैंने प्लेट में लिया हुआ है, इसमें सपोज मैंने सेवन चक्रा, मेरे पास सेवन चक्रा है, मैंने इसको इसमें डाला, ये सारा मैंने इसको कवर कर दिया सॉल्ट से, पूरा का पूरा आप इसको सबमर्ज कर दो इसमें बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। सो दो ही तरीके हैं अपने क्रिस्टल्स को आप क्लेंस कर सकते हो बहुत आसानी से। इसको आप ऐसे करके पूरी रात मूनलाइट में छोड़ो बाहर, ओके। अगर मूनलाइट में आपको लगता है बाहर सेफ नहीं है तो आप घर में ही रखो, लेकिन एटलीस्ट इसको खुला रखो, क्योंकि जब फुल मून है ना तो उसकी एनर्जीज हर जगह है, उस किरण की एनर्जी हर जगह है, ठीक है। हाँ, बट अगर हम डायरेक्ट सनलाइट देते हैं तो वो जो ये है हमारा स्टोन्स जो होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, ये क्लेंस भी होते हैं, साथ में चार्ज भी हो जाते हैं, राइट। सो दोनों चीज़ें हैं, इसको ऐसे करो आप लोग। और हाँ, जो हेल्थ के लिए कर रहे हैं अपने स्टोन्स इसमें डालने के बाद, आप एक काम कर सकते हो, अगले सुबह आप इसे निकाल करके अगेन, जिनके पास क्लियर क्वार्ट्ज है, क्लियर क्वार्ट्ज हेल्थ के लिए सुपर हिट होता है, और एमेथिस्ट, दो चीज़ें, ठीक है। तो आप अपने वाटर बॉटल में या फिर ग्लास में, जिसमें भी जो ये रात में आपने क्लेंस किया, बिना ये प्रोसेस किए आप हेल्थ के लिए अपने क्रिस्टल यूज़ नहीं करना, मैं बोल रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये पूर्णिमा की रात को ये एक्टिविटी होगी, पूर्णिमा के अगले दिन आप मॉर्निंग में इसको निकालोगे, अपने ब्रेसलेट को निकालो, इसको वॉश करो पानी से, इसके बाद इसको आप डिप करोगे अपने पीने के पानी में, ओके। अपने वाटर बॉटल में आप डिप कर सकते हो, आप अपने किसी भी चीज़ में ग्लास में लेके उसमें आप इसको डिप करके कुछ मिनट्स छोड़ोगे और फिर वो पानी आप घूट घूट करके पियोगे, ये भी आपको बहुत बहुत आप इसका बहुत बड़ा बेनिफिट अपने हेल्थ में देखोगे, ओके। सो ये हेल्थ हो गया। नाउ हेल्थ के बाद हम आते हैं मनी के ऊपर, मनी के लिए क्या करना है, मनी के लिए यूज़ करेंगे हम सिनेमन, ओके। सिनेमन के साथ क्या करना है आपको, सिनेमन के ऊपर सिंपल सा आप एक पेन लेकर के
जो भी आपके मैनिफेस्टेशन है, सपोज कोई अमाउंट है आपके मन में, कोई 1 लाख, 10,000, 5,000, जो भी रिक्वायरमेंट है इस मंथ के लिए, जब तक नेक्स्ट पूर्णिमा नहीं आ जाता है तब तक के लिए, होल सोल लाइफ के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी पूर्णिमा हर महीने में आता है, तो इसलिए अभी सिर्फ इस महीने में जो रिक्वायरमेंट है वो आप अमाउंट यहाँ पर डाल दो, जेन्युइन अमाउंट, ओके, जितना आपको लगता है कि यस इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता ही हूँ या करती ही हूँ, राइट, उतना लिख के एक डॉलर का साइन बनाओगे आप आगे और पीछे, बस सिंपल सा, आपने अमाउंट लिखा, डॉलर का साइन बनाया, सिंपल, देखिए ये सिनेमन है, यहाँ पे आपने अमाउंट लिखा, इधर इधर डॉलर का साइन बना दिया, बस, ब्लू कलर के पेन से लिखिए या ग्रीन कलर के पेन से, दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो। इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको जलाना है क्या? नहीं, इसको जलाना नहीं है, अपने घर में जो गमले हैं आपके, प्लांट्स हैं, उस वहाँ पे जाइए और मिट्टी में इसको दबा दीजिए एज़ इट इज़। अगर इसको खड़े हुए में ही आप मिट्टी में अंदर दबा दोगे, बिल्कुल प्रेस करोगे वो नीचे चला जाएगा, ऊपर से कवर अप कर दो, ये काम ख़त्म हो गया आपके मनी के लिए। सेकंड क्या करोगे, एक और सिनेमन स्टिक लोगे आप, दालचीनी का टुकड़ा एक और लोगे, मेरे पास देखो ये टूटा हुआ है, जस्ट जनरली ना ऐसा ही हम लोगों के किचन में अवेलेबल होता है, ठीक है, तो आप लोग घबराना नहीं कि हमारे पास सर्कल जैसा नहीं है तो हम कैसे करें, अगर ये है तो इस पे करो, आप आराम से लिखो और इसको मिट्टी में जाके दबा के आओ, ठीक है। एक सिनेमन स्टिक तो मिट्टी में दबाना है, दूसरे को क्या करना है, दूसरे में आप चुपचाप से, इसमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटेंशन दोगे, अपने हाथों के बीच में रखोगे, इंटेंशन दोगे मनी फ्लो के लिए, वेल्थ के लिए, अबंडेंस के लिए। इंटेंशन देने के बाद आप इसको अपने जहाँ पे मनी है आपका, आप अपने वॉलेट में रख सकते हो, पर्स में रख सकते हो, ड्रॉर्स में रख सकते हो, वहाँ पे रख के छोड़ो, ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत काम करेगा, इसका जो एसेंस है, इसकी स्मेल है, वो वैसे भी मनी एब्जॉर्बर है, मनी को खींचने में बहुत काम करता है, ठीक है। बाकी मनी से रिलेटेड जिनके पास क्रिस्टल्स हैं, पाइराइट हो, ग्रीन एवेंचुरीन हो, जेड हो, कुछ भी हो, सिट्रीन हो, वो अपने अपने क्रिस्टल्स को यस पूर्णिमा की रात को बैठे हाथ में लें, एनर्जाइज करें उसको। एनर्जाइज करने का तरीका सिर्फ इतना है कि आप हाथ में लेने से पहले अपना एक नोट रखें, रुपया रखें कोई भी हाथ में, जो बड़ा नोट हो आपके पास ऑब्वियसली वही नोट लो, वो नोट लेके बैठो, जिस भी कंट्री में हो वहाँ पे वो नोट रखो, नोट के ऊपर अपना क्रिस्टल रखो, मनी से रिलेटेड क्रिस्टल रख के दोनों हाथों को बंद करो, बंद करके इंटेंशंस दो, चार्ज करो उसको, दैट आप बहुत वेल्दी हो, ठीक है, मनी आसानी से आपके पास अट्रैक्ट होता है, पैसों के आने के सारे रास्ते आपके पास खुले हुए हैं, इस इंटेंशन के साथ और आंखें बंद करके पैसों की खनक सुनने की कोशिश करो, ठीक है। जब हम रुपए गिनते हैं तो वो जो नोट की फड़फड़ाहट होती है वो सुनने की कोशिश करो, ठीक है, करारे नोट जब हमें दिखते हैं तो वो कैसे लगते हैं उसको देखने की कोशिश करो, बस उतना सा विजुअलाइज करो और इंटेंशन दो इसमें, और फिर आप इस नोट में ही अपने क्रिस्टल को डाल करके सारी रात के लिए छोड़ दोगे एक जगह, आप ड्रॉर्स में रख सकते हो, पर्स में रख सकते हो, राइट। मॉर्निंग आप उठो, अपने क्रिस्टल को निकालो, ब्रेसलेट हो तो चलेगा, टंबल हो तो चलेगा, कुछ भी हो, रॉ फॉर्म में हो तो भी चलेगा, स्टोन क्रिस्टल आप ये करोगे, करने के बाद अपने ये जो नोट आपने रखा है इसको अपने पास रखो, इसको आप स्पेंड कर सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है कि इस नोट को हम क्या अब स्पेंड नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना क्रिस्टल उठाओ, पहनो एंड बस खत्म। सो नेक्स्ट डे आप अपना क्रिस्टल पहन लोगे, समझ में आ गया, सिर्फ रात भर की एक्टिविटी है। तो ये हो गया मनी से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारी रेस्ट ऑफ विशेस पे, जितनी भी और बाकी की विशेस होती हैं हमारी, उसके लिए क्या करना है हमें। आप अगेन एक पानी का बर्तन लोगे बाकी विशेस के लिए, पेपर लोगे, पेन लोगे, अपनी सारी विशेस पेपर पे लिखोगे, प्रेजेंट टेंस में लिखो, ऑब्वियसली सारी प्रेजेंट टेंस में लिखो, लेकिन सबसे ऊपर जो मैंने स्विच वर्ड दिया था अभी 3-4 दिन पहले कुछ लोगों को, एक वीडियो बनाया था कि ये स्विच वर्ड फुल मून तक आपने चैंट करते रहना है, और कुछ तरीके बताए थे वाटर बॉटल पे लिखने के लिए, एनर्जी सर्कल बनाने के लिए, बल्कि रात में सोने से पहले मॉर्निंग उठने के बाद आपको बोला था चैंट करने के लिए, और वो स्विच वर्ड था टुगेदर वॉल सडनली ब्रिंग मैजिक, राइट। उसको बोला था मैंने कि फुल मून पे आपको सरेंडर करना है, ये सरेंडर वाली रात है। जिन लोगों ने नहीं किया या जिन्हें बिल्कुल पता ही नहीं था इसके बारे में, उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना ये पेपर एक लेंगे, प्लेन पेपर लीजिए, लाइन शीट चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लू कलर का पेन लो,
अपनी सारी विशेज लिखो, 1, 2, 3, 4, 5 करके जितनी भी विशेज हैं। इसके बाद पेपर में जितनी जगह एक्स्ट्रा बची हुई है उस सारे जगह को इस स्विच वर्ड से भर दो लिख करके, और ये स्विच वर्ड सिर्फ कैपिटल लेटर में लिखोगे, टुगेदर वॉल्फ सडनली ब्रिंग मैजिक। ओके, लिखने के बाद पेपर फोल्ड करो, फोल्ड करके अगेन हाथ के बीच में रख के इंटेंशन दो, विजुअलाइज करो अपनी सारी विशेज को फुलफिल होते हुए। विजुअलाइजेशन में आप उस विश को देख सकते हो, वहाँ पे साउंड्स है, स्मेल है, आपकी खुद की हंसी है, खुशी है, लोगों के चेहरों पे खुशी, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इसके बाद इस पेपर को उस कटोरे में जिसमें पानी आपने भरा है, उस बर्तन में, उसमें आप डिप करोगे और ये सारा का सारा चीज़ बाहर सारी रात आप मूनलाइट में छोड़ दोगे। अगर कहीं बारिश हो रही है और बादल घिरे हुए हैं और चांद नहीं दिख रहा है, तो आप लोगों के क्वेरीज आते हैं कि हम क्या करें, हमारे यहाँ बारिश हो रही है, बादल घिरे हुए हैं, चांद ही नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं है, चांद अगर बादलों के पीछे भी है तब भी उसकी किरणें तो हैं, उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशंस तो है, वाइब्रेशंस को तो कुछ भी नहीं रोक सकता, राइट? सो आप इसको रात भर छोड़िए बाहर। अगर बारिश कहीं पर हो रही है तो आप इसको कहीं साइड में रखिए, ऐसी जगह जहाँ पर पानी से ये डिस्टर्ब ना हो, ठीक है? और ये बाउल क्या खुला रहेगा, इसको ढक के रखना है, आप इसको खुला ही रखेंगे क्योंकि इस पानी को मॉर्निंग में आपको पीना नहीं है, तो इसको खुला छोड़ दीजिए आप, ठीक है? सुबह उठने के बाद इसके पानी को आप पौधों में डालो, और ये पेपर क्योंकि उसी में मेल्ट हो गया होगा तो ये साथ साथ चला जाएगा पौधों में, पर रात भर इसको रखना है, ठीक है? तो ये तीन चीज़ें हो गई आपकी सारी विशेस के लिए। रिलेशनशिप के लिए बता दूँ, पिंक एनर्जी करोगे आप, ओके? सो पिंक एनर्जी डेफिनेटली आपने करना है, अगर हो सके तो प्लीज़ पिंक कलर का एक कैंडल जला लेना। पिंक कलर का कैंडल जला करके आपका, अगर आपके पास रोज क्वार्ट्ज़ है, रोज क्वार्ट्ज़ आपने लिया है तो प्लीज़ उसको अपने हाथ में रखो, हाथ में रख के हो सके तो अपने पर्सन की अगर हार्ड कॉपी वाली फ़ोटोग्राफ है तो पहले फ़ोटोग्राफ रखो, उसके ऊपर ही क्रिस्टल रखो रोज क्वार्ट्ज़, और दोनों हाथों से बंद करके बस सिर्फ इतना विजुअलाइज करना दैट आप और वो दोनों के दोनों एक जगह बैठे हो और पिंक लाइट में कवर्ड हो, ओके? मीन्स आप एक दोनों एक जगह हो और सारे तरफ, इवन आपके ऊपर भी सिर्फ गुलाबी रंग की रोशनी है, उसी से कवर्ड हो, और ये चीज़ आप दोनों के हार्ट को हील कर रही है, आपके रिलेशनशिप को हील कर रही है, मजबूत कर रही है, प्यार से भर रही है, ठीक है? सो ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। नाउ इसके बाद आप क्या करोगे, क्रिस्टल को अपने हाथ में रख के थोड़ी देर और विजुलाइज करके आप यही पिंक एनर्जी अपने पर्सन को ट्रांसमिट करोगे, भेजोगे। हो सके तो मेरी जो पिंक एनर्जी वाली वीडियो है आप उसको चला के उसके साथ पिंक एनर्जी भेजो अपने अपने पर्सन को। जो लोग अभी रीयूनियन अनब्लॉक ब्लॉक के चक्कर में या फिर कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बहुत इफ़ेक्टिव होगा, ओके? सो पिंक एनर्जी करो। अब तो ये आ गया कि जिनके पास रोज़ क्वार्ट्ज़ है, जिनके पास रोज़ क्वार्ट्ज़ है ही नहीं वो क्या करेंगे, उनको बताती हूँ। अपने किचन से प्लीज़ एक इलायची लेके आइए, कार्डमम, ठीक है? वो लेके आओ, एक इलायची बहुत है, एक इलायची प्लीज़ अपने हाथ में रखना। ये जो स्पाइसेस है ना हमारे किचन में, सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, तेजपत्ता, दालचीनी, ये सब यूज़ करने पड़ते हैं, नहीं नहीं, हमारे किचन के स्पाइसेस बहुत बहुत, मैं अगर बोलूँ तो जो जड़ी बूटी का काम है ना बहुत मैजिकल होता है, राइट? इनमें जो खुशबू है, इनकी जो एसेंस है वो बहुत बहुत इफ़ेक्टिव होती है। तो आप वो प्लीज़ इलायची लाना, उसको आप अपने हाथ में रखना, उसको हाथ में रख के अगर आपके पर्सन की फ़ोटोग्राफ नहीं भी है तो भी, रोज़ क्वार्ट्ज में भी मैं बता रही हूँ, फ़ोटोग्राफ नहीं भी है तो भी अपने हाथ में रख के और दोनों हाथों को ऊपर से ऐसे रख के, ठीक है? और फिर अपने रिलेशनशिप के लिए जितना पॉजिटिव हो सके उतना बोलो, उतना सोचो। आप अपने रिलेशनशिप को ब्यूटीफाई होते हुए विजुलाइज करो, खूबसूरत होते हुए देखो, ठीक है? इसके बाद जब आपकी ये विजुलाइजेशन कंप्लीट हो गई एक जगह बैठने के बाद, तब आप इस इलायची को थोड़ी देर अपने मुंह में रखो, ठीक है? इसका बहुत कभी कभी फ्लेवर लिया नहीं जाता, तो जितनी भी देर आप ले पाओ, जितनी देर आप इसको, अगर आप इसको च्यू कर पाओ तो करो, चबा पाओ तो चबाओ, नहीं तो थोड़ी देर मुँह में रखने के बाद इसका जो फ्लेवर है वो आने के बाद आप इसको फेंक सकते हो, डिस्कार्ड कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपको वहाँ पे काफ़ी हेल्प करने वाला है रिलेशनशिप्स में, मैं बता रही हूँ, बहुत सुपर सुपर मैजिकल होने वाला है, ठीक है? तो ये कुछ रिचुअल्स आप लोग अपने अपने विशेस के लिए, अपनी अपनी पर्टिकुलर विशेस के लिए ज़रूर करो। अपने अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करना, सबसे पहले क्लेंस करना फिर चार्ज करना, दो
ठीक है, दो तरीकों से क्लेंस कैसे करते हैं आप, चाहे नमक में डालो या फिर मिट्टी में दबा के रात भर के लिए छोड़ो, मॉर्निंग में निकालो। चार्ज कैसे करते हो, अपने इंटेंशन से करते हो। ठीक है, आप धूप बत्ती का धुआं दिखा के चार्ज कर सकते हो। तो जो भी ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप अडाप्ट करो, इनको आप करो, कोशिश करो इन सब चीज़ों को फॉलो करने की, बिकॉज़ ये धीरे धीरे वर्क करे या जल्दी वर्क करे, पर आपके लिए वर्क ज़रूर करेगा, डेफिनेटली करेगा। कोई भी स्पेल करने से पहले डाउट रख के मन में मत करना, डाउट रखने वालों के लिए स्पेल काम नहीं करेगा, मैं पहले बता रही हूँ। ठीक है, अगर ट्राई करने के मकसद से कर रहे हो कि अच्छा करके देख लेते हैं, तो फिर उनके लिए कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ओके, बट हाँ, जो बिल्कुल सरेंडर करके कर रहे हैं, जो बिल्कुल बिना किसी सोच समझ के कर रहे हैं कि बस हमें करना है, उनके लिए 100% काम करेगा। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।